IBN9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चाइल्ड लाइन देवास को 31 जनवरी को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर जानकारी मिली कि ग्राम आलरी के पास स्थित रेस्टोरेंट पर एक नाबालिग बच्चे से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। वो मजदूरी के रुपए मांगने पर रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा रुपए नहीं दिए जा रहे, वो बच्चे को घर पर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। सूचना के तत्काल बाद महिला एवं बाल विकास विशेष किशोर पुलिस इकाई व चाइल्ड लाइन देवास की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस चौकी टोंकला पर संपर्क किया गया। तब पता चला कि बालक रेस्टोरेंट से भागकर पुलिस चौकी पर आ गया। टीम द्वारा बालक को संरक्षण में लिया। टीम द्वारा बालक को न्यायपीठ बालकृष्ण बाल कल्याण समिति जिला देवास के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बालक ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 13 साल है। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है। वह गरीब परिवार से है। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं। परिवार की गरीबी के कारण वह ग्राम आलरी के पास एबी रोड पर बने रेस्टोरेंट पर काम करने चला गया था। रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा उसे 270 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी देने का बोलकर काम पर लगाया गया था। उसे रेस्टोरेंट पर सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करवाया जाता था। वह रेस्टोरेंट पर बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा लगाने का काम करता था। उसने रेस्टोरेंट पर लगभग 8 से 10 दिनों तक काम किया, लेकिन उसे काम करने का कोई रुपया नहीं दिया गया। उसे रेस्टोरेंट पर काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, इस कारण वह घर जाना चाहता था, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा काम के रुपये नहीं दिए गए, वह घर जाने से मना कर दिया गया। वह वापस उसके घर जाना व रेस्टोरेंट के मालिक के काम के पूरे रुपये लेना चाहता है। मामले में बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को आश्रय प्रदान किया गया है। वह बालक द्वारा दिए गए कथनानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।